बीजान कम से कम मुझे पुलिस में तो रिपोर्ट लिखवाने दें। पुलिस का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों क्यों जिद कर रही है बीजान? इसलिए कि ये चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं की। आप ये कहना चाह रही हैं कि चोरी किसी घर वाले ने की है और आपको पता है किसने की है? हाँ, मुझे ना पैसे जाने का गम है ना शहवार के जेवर जाने का दुख। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है सुहेल। बीजान मुझे बता दीजिए किसने की है, वरना आप जानती हैं कि मैं क्या करूंगा। मैं जानती हूं कि तुम क्या करोगे और तुम क्या कर सकते हो, इसीलिए तो नहीं बताऊंगी। लेकिन बीजान, जिसने भी ये हरकत की है वो बार बार ये हरकत कर सकता है, इसलिए अगर उसे सजा नहीं दे रही तो एटलीस्ट रोकना तो जरूरी है ना। सुहेल, तुम मेरी सीट करा दो। नहीं बीजान, जब तक आप बताएंगी नहीं आप यहां से जा नहीं सकती। ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? डोंट यू नो दैट यू आर टॉकिंग टू योर मदर? और मैं किसी से डरती नहीं, तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। मैं जब जाना चाहूंगी, तुम तो कम अज कम मुझे नहीं रोक सकते। अच्छा बीजान, कम से कम ये तो बता दें कितना नुकसान हुआ है। शेवार का सारा जेवर चला गया है। सुहेल, तुमसे तवक्को करना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। तुम्हें माफ करने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं हुआ। आज तुम इस किस्से को खत्म कर दो, मैं भी अपना दिल साफ कर लेती हूँ। ऐसा क्यों कर रही है बीजान? इसलिए कि मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। यहाँ आओ। सुहेल, तुम इस किस्से को भूल जाओ।